तुर्की का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है, उसने पाकिस्तान का आंख बंद करके साथ निभाया है। भारत पाकिस्तान के विवादों में वो हमेशा पाक के साथ खड़ा रहा है। मध्य एशिया में तुर्की इकलौता राष्ट्र था जिसने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। इन सब के बीच तुर्की के परमाणु हथियार बनाने की इच्छा जाहिर करने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की के हाथों में बेच दिया परमाणु तकनीक। क्या धारा 370 पर सपोर्ट के लिए पाक ने तुर्की को ये इनाम दिया है? दरअसल तुर्की के परमाणु बम बनाने के ऐलान में पूरी दुनिया को हैरियत में डाल दिया है। इससे एक बार फिर पाकिस्तान सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। तुर्की के परमाणु बम निर्माण की खबर ऐसे समय में आई है जब उत्तर सीरिया में उसके हमले जारी हैं और कुर्दों की हिफाजत के लिए अमेरिका चिंतित है। वो अमेरिका के कोप का शिकार भी हो चुका है। ऐसे में अमेरिका की तुर्की के परमाणु बम बनाने की चिंता लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों को शक इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 साल पहले पाकिस्तान के परमाणु तस्कर अब्दुल कादिर खान ने स्वीकार किया था कि उसने कुछ देशों को परमाणु तकनीक बेची थी और उसका अवैध निर्यात किया था। अब डेढ़ दशक बाद ये मुद्दा फिर से गर्म हुआ है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रिजेप तैयब अर्दोगान ने हाल ही में अपनी पार्टी की एक बैठक में कथित तौर पर तुर्की को न्यूक्लियर पावर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्दोगान ने अपनी पार्टी के एक करीबी नेता से हाल ही में कहा था कि कुछ देशों के पास परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें हैं, हमारे पास वो नहीं हो सकता, इसे मैं मंजूर नहीं कर सकता। अर्दोगान के इस बयान के बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, तुर्की पहले ही बम बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, यूरेनियम का भंडार जमा किया हुआ है और रिएक्टरों से जुड़े रिसर्च कर रहा है। तुर्की का दुनिया में कुख्यात कालाबाजारी पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान के साथ रहस्यमय समझौता है। इसके बाद से शक की पूरी सुई पाकिस्तान की ओर घूम रही है कि कहीं उसने धारा 370 पर सपोर्ट करने के बदले तुर्की को परमाणु तकनीक तो नहीं बेच दी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।